education is the main component of human development. That's why the C.A. Pandriyu says, if education is neglected, the modern India is built in the shifting sand. So education is very, very important. And our founder, Father E.R. Rajamani, he is very much concerned about education of the children. So early childhood education is a very, very important. And from elementary education, as government has given the free of elementary education, that but lot of private institutions, private schools are there. And Asadi Foundation is running schools where most vulnerable children are coming, like rag pickers and daily wagers and all minority community children, poor to poor children. Those are not afford to go to the private school, but Asadi Foundation, as a St. James Convent School, we are providing the quality education. मेरे क्लास में उसके पास बुक्स नहीं हैं, लेकिन मैं उसको जो जैसे ब्लैक बोर्ड पर सारा जो काम कराती हूँ तो बहुत अच्छे से समझ जाता है, वो कॉपीज़ में काम करता है बट इतने अच्छे से सीख जाता है, समझता है। मैं उसके पेरेंट्स से भी मैंने पीटीएम में बात की थी, तो मैंने कहा था आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, विदाउट बुक वो इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके पास बुक्स होंगी तो वो कितना अच्छा रिजल्ट दे, उसका अच्छा होगा। आईपीएस ऑफिसर बनना है। पायलट। मुझे बड़े होके बिजनेस करना है। मेरे को आगे चल के आईएएस बनना है, तो वो अचीव करना है, तो उसके लिए मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ कि मैं एक आईएएस बन सकूँ और अपना ड्रीम पूरा कर सकूँ। फुटबॉल जो आते स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल टीम के थे हम, विनर्स बने थे एक बार, तो मेमोरीज भी मेरे लिए वो बहुत अच्छी थी। और वहाँ से हमने कप भी कप हाथ में लिया, तो कितना अच्छा लगता है, जो फीलिंग होती है कप हाथ में लेने वाली। सबसे अच्छी बात यहाँ की यह है कि बाकी जगह पे पढ़ाने का मौका मिलते हैं और मिलेंगे भी, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ाना है, क्योंकि बाकी जो पैसे मिल सकते हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, और उन बच्चों को पढ़ाने के बाद जो खुशी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए बच्चे हैं, और इन पिछड़े हुए बच्चों के साथ मिलकर काम करना एक अंदर से खुशी की महसूसी कराती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। हमें एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, प्रोजेक्ट डिजाइन करने का बाद हम प्रपोजल बनता है, प्रपोजल को हमें कोई फंडिंग एजेंसी को कि कॉरपोरेट को हमें सबमिट करते हैं। अगर हम 100 कॉरपोरेट को कि 50 कॉरपोरेट को हम सबमिट करते हैं, तो एक दो कोई कॉरपोरेट हमको पैसा देता है कि फंडिंग एजेंसी आंसर देते हैं। इस तरीके से हमें आसादी फाउंडेशन का चुनौती है। अरे आफ्टर कोविड का बाद we are facing lot of challenges to fundraise. Why? Because we have
the platform, we have community, we have area to work. But if somebody will financially want support to us, how we will work? That's why Asadi Foundation, though we have a little budget, we have worked maximum.